हर लाखी मधुबनी हर लाखी थाना इलाके के उम गांव बाजार के संजय किराना स्टोर में बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने 51,000 रुपए नकद सहित लाखों के किराना सामानों की चोरी कर ली। चोरों ने दुकान की छत पर चढ़कर सीढ़ी से एस्बेस्टस को तोड़ दुकान में प्रवेश किया और गलासे रुपयों का सफाया कर कीमती किराना सामानों पर भी हाथ साफ कर लिया। जानकारी के मुताबिक दुकानदार हटवरिया गांव निवासी राघवेंद्र प्रसाद उर्फ राधे जब सुबह 7 बजे उम गांव बाजार स्थित अपने दुकान पर आया तो दुकान में जैसे ताला लगाकर गया था वैसे ही बाहर से दुकान बंद था। दुकान खोलने के बाद जब अंदर प्रवेश किया तो देखा कि गला खुला हुआ और गले का सामान बिखरा पड़ा था। उसे समझते देर न लगी कि दुकान में चोरी हुई है। दुकानदार ने बताया कि गले में रखा 51,000 रुपये गायब थे और अन्य कीमती किराना सामान भी चोरी हो गई। चोर दुकान की छत पर चढ़कर सीढ़ी के रास्ते दुकान में प्रवेश किया और घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही हर लाखी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दुकान का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि चोरी की घटना के मामले में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर लाखी से अब्दुल माजिद की खबर। जयनगर मधुबनी देवधा थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करते हुए सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के उसराही गांव के मिश्रलाल चौक निवासी उमेश राम है और पिता का नाम सुखदेव राम है। जयनगर सिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जयनगर और आसपास की खबरें सबसे पहले आपको मिले।